मंच पर उन्होंने हालांकि सीधे सीधे बहुत कुछ नहीं कहा जो पहलवानों ने आरोप लगाए हैं, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। हमारे साथ इस वक्त कई महिलाएं हैं जो कि उनके इस कार्यक्रम में आई थी। हम उनसे जानना चाहते हैं, जानेंगे कि आखिर महिलाओं के मुद्दे पर, खासकर पहलवानों को लेकर के इनकी क्या सोच है। आप लोग आई थी कार्यक्रम में और आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से, कई हफ्तों से ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो महिला पहलवान है उन्होंने आरोप लगा रखे हैं, आप लोगों का क्या सोच है? मेरा तो कहना, सब सोच तो हमारी यही है कि अगर हम जैसे समाज में चलते हैं, ठीक, हम समाज में चलते हैं, कभी कोई लड़का हमें छेड़ दे तो क्या हम उसको ऐसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, पलट के वार करेंगे उसको, जूते से, चप्पल से, जो भी अपनी औकात होगी उससे पहले वार करेंगे। तो महिला पहलवान है, उनको तो इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, उन्होंने कैसे, मतलब इनको सांसद जी को कैसे छोड़ दिया? अगर उन्होंने गलत आपके साथ किया था तो आपको तुरंत निर्णय लेना चाहिए, 2 साल 4 साल बाद निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्होंने पहली बात ये गलती की है, आप ये जान लीजिए, और उसके बाद में अगर आज इल्जाम लगाया जा रहा है तो सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं सांसद जी के साथ में, आप ये जानिए। नाइंसाफी है, आपको भी लगता है? आपको भी यही लगता? जी मुझे भी वही लगता है, उनको गलत फंसाई गई है। ये सत्ता वाले जो है विपक्ष पार्टी वाले ही कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हम लोग हर में, मतलब न्यूज में हम देख रहे हैं कि हमको आजादी चाहिए, हमको क्या चाहिए, तो ये सब सत्ता की बात है। तो नेताजी ऐसे नहीं है? बिल्कुल नहीं है, नेताजी के सामने क्या, ये बताइए, महिला पहलवान जो है उनसे क्या हम लोग बेकार हैं? कहने की बात तो ये है, क्या बुरे हैं? क्या हम लोग को आधी रात पिछलारा बुला नहीं सकते? हमारे पास तो कोई पावर अटॉर्नी नहीं है, हम कुछ भी उनके ऊपर खिलाफत नहीं कर सकते हैं। क्या हमको रात में नहीं बुला सकते? क्या हमें कहीं बुला नहीं सकते थे, अलग नहीं बुला सकते? क्या हमारे साथ वो कुछ यौन शोषण नहीं कर सकते थे? लेकिन हमारे साथ उन्होंने नहीं किया, अपनी जनता के साथ उन्होंने कभी नहीं किया। एक्सवाइजेड पूरे गोंडा जिला में कोई नहीं कह सकता उनके खिलाफ, तो वो कैसे कह रही हैं? वो तो एक महिला पहलवान, उनके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, उनके ऊपर ऐसा, मतलब वो ऐसा इल्जाम कैसे लगा रही हैं? और लगा रही है तो सरासर गलत है, आप ही जान लीजिए। आप लोगों को भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं उसको क्या कहेंगे? नहीं, वो तो सब गलत लगा हुआ है, सब गलत ही है, ऐसे नहीं है नेताजी, हमारे अच्छे हैं। जैसे लड़कियां पहले अवस्थित थी, अब है तो खुली आजादी से कहीं भी जा सकती हैं, आ भी सकती हैं, ऐसा नहीं। वो जो लगा रहे हैं वो गलत है, वो गलत है। लेकिन जो महिला पहलवान हैं वो लगातार धरने पर बैठी हैं, इतने समय से धरने पर बैठी हैं, अभी भी 15 तारीख तक का एक अल्टीमेटम है, उसके बाद वो फिर अगर निर्णय नहीं हुआ तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या? उसके पीछे तो सीधे राजनीति है, इसमें तो सीधे राजनीति है, क्योंकि बीजेपी ने इतना काम किया है। अभी देखिए, प्रत्यक्ष रूप से सबको दिख रहा है कि गोंडा जिला की पहली क्या हालत थी, यूपी कितने निचले स्तर पे था, आज इतना अच्छा लेवल बढ़ रहा है। हम तो हर एक पार्टी को, मतलब यही संदेश देना चाहेंगे, जैसे कि अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी या फिर सांसद जी सब लोग मिलकर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि उसमें सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी अन्य पार्टी हो, उसका भी नाम हो रहा है, क्योंकि वो गोंडा जिला में से बिलोंग करता है, वो हमारी यूपी से ही बिलोंग करता है। अगर वो लगाता है इल्जाम तो भी गलत लगाता है, और राजनीति अगर इसमें खेली जा रही है तो जान लीजिए उसका परिणाम आएगा जरूर, क्योंकि अंत, मतलब कुछ भी होता है तो मतलब उसका अंत तो जरूर ही होगा। उन्होंने कहा ना, हुई है वही राम रच का, और कहा करी तर्क बढ़ा, वैसा का उनको विश्वास है अपने ऊपर, जैसे मुझे अपने आप ऊपर खुद विश्वास था, तो मैंने, हम सब लोगों ने मिलकर अपने विधानसभा को जिताया, इसी प्रकार हम अपने सांसद जी को बिल्कुल पाक साफ लेके आएंगे।